दोस्तों क्रिसमस आए और केक ना बने। क्रिसमस में केक खाना तो बनता ही है, और अगर हमारे घर में ही केक बने तो मजा ही आ जाए। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही अलग और लाजवाब रेसिपी बताने जा रहे हैं जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए ग्रीषा की रसोई में, जहाँ आज हम बनाएंगे केक विकीज। केक विकीज बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीजें। अब हम सबसे पहले एक कप मैदा ले लेंगे और उसमें डाल देंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और एक चुटकी खाने का सोडा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छी सी एक छन्नी से छान लेंगे। इसे अब दो बार और छानें, जिससे कि मैदे में बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदे को छानने से इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स तो होते ही हैं, और हमारा मैदा भी खुल जाता है, मतलब इसके लम्स निकल जाते हैं। ये हल्का हो जाता है और इसे बाद में बैटर बनाने में बहुत आसानी होती है। अब इसे आप अलग से रख लें। और एक ब्लेंडर या मिक्सी के जार में 3 अंडे तोड़कर डाल दें। इसे हमें चीनी के साथ फेंटना है। इसके लिए हम डालेंगे 8 टेबलस्पून या 3/4 कप चीनी। देखिए दोस्तों, हमें ये तब तक ब्लेंड करना है जब तक चीनी इसमें घुल ना जाए। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी इसी मात्रा में ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। इस तरह से देखिए, अंडे और चीनी आपस में अच्छे से मिलकर घुल जाते हैं, और देखिए ये कैसे दिखते हैं। अब देखिए ये चीनी घुल चुकी है, और अब हम इसमें 250 ग्राम बटर पिघलाकर डाल देंगे और इसे भी कुछ देर तक अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से ये मिश्रण हमारा ब्लेंड होकर तैयार हो गया है, और देखिए अब यह काफी स्मूथ और हल्का भी हो चुका है। और अब हम इसमें अपनी पसंद का कोई भी एसेंस डाल देंगे। आज हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रहे हैं, जिससे कि अंडे की स्मेल भी चली जाए और इसमें एक अच्छी सी एसेंस की खुशबू भी आने लगे। आपको याद होगा कि हमने मैदा छान के अलग रख लिया था, और अब हम उसमें 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर डाल देंगे, जिससे कि रेसिपी में एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू आने लगी। अब हम इस अंडे और बैटर के मिश्रण में धीरे धीरे वही मैदे का मिश्रण डालकर इसे मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है और धीरे धीरे इस तरह से मैदे को मिला लेना है। मिलाते मिलाते देखिए मैदा भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होने लगा है। मैदे को छानने की वजह से देखिए इसमें लम्स भी नहीं बनते और बैटर आसानी से बन भी जाता है। देखिए मिलाने का एक्शन इस तरह का है ताकि बेकिंग पाउडर का कमाल बना रहे और हमारा बैटर भी आराम से बन जाए। दोस्तों जब हमारा बैटर तैयार हो जाता है तो उसमें कुछ इस तरह से रिबन बनने लगते हैं। अब हम अपना बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पहले एक ब्रश से ट्रे में बटर लगा लेंगे। ब्रश ना भी हो तो आप अपने हाथों से भी ये कर सकते हैं। अब हम ट्रे में थोड़ा सा मैदा भी छिड़क देंगे, जिससे बाद में हमें केक विकीज निकालने में आसानी होगी। अब इस ट्रे में केक का बैटर डाल दें और इसे चारों तरफ फैलने दें। फिर लास्ट में एक दो बार इस तरह से बैटर को सेट कर दें। अब हम ऐसे ही कुछ डिजाइन करने के लिए दो अलग अलग फूड कलर छिड़क देंगे। फिर एक टूथपिक से थोड़ा फैला लेंगे। अब डाल दीजिए अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। इन ड्राई फ्रूट में आप थोड़ा सा मैदा मिक्स कर देंगे, तो जब हम इन्हें बैटर के ऊपर लगाएंगे तो ये डूबेंगे नहीं और अच्छे से ऊपर चिपके रहेंगे। अब हमें इन्हें बेक करना होगा। इसके लिए पहले हम अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे, और अब इन्हें माइक्रोवेव में डाल देते हैं, जिससे कि ये केक विकीज बनकर तैयार हो जाए। वीडियो के स्क्रीन पर हमने निर्देश दिए हैं, जिससे कि आप सही विकल्प चुनकर केक विकीज बनने के लिए डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद एक टूथपिक गड़ाकर चेक जरूर करें कि आपकी केक विकीज तैयार है या नहीं। आपको जब लगे कि ये पक चुके हैं तो 4 मिनट और बेक होने दें। देखिए हो गए आपके केक विकीज तैयार।
अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। दोस्तों ये केक विकीज बहुत ही मजे के लगते हैं। इनका टेक्सचर केक और बिस्किट के बीच का होता है। इसमें केक का लाजवाब स्वाद तो होता ही है और बिस्किट का खस्तापन भी, जो आपके शाम के स्नैक्स में चार चांद लगा सकते हैं। इन्हें आप काफी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आपके अपने इन्हें एक बार खाने के बाद और जरूर मांगेंगे। तो दोस्तों आप भी बनाएं कुछ नया और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।